रंजीत के सवाल पर वो लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, मुझे सब कुछ पता है रंजीत। उसके इतना कहते ही मौसम का रुख बदलने लगा, तेज हवाएं चलने लगी और दूर से किसी सियार के रोने की आवाज आई तो वो लड़की घबरा कर रंजीत की बाहों में सिमट गई। इतने में उसने डरते हुए कहा, मैं मोहब्बत की प्यासी हूँ, क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगे? उस लड़की से चिपकते ही रंजीत के तन बदन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी छुअन से रंजीत अब बेकाबू होने लगा और उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर पागलों की तरह उसकी गर्दन को चूमने लगा, जिससे उस लड़की की आहें निकलने लगी। धीरे धीरे रंजीत गर्दन से होठों पर आया और अपने होठों से उसके होठों को ऐसे मिला दिया जैसे जन्मों का प्यासा हो। वो लड़की भी मदहोश होकर उसका साथ देने लगी और कुछ ही पलों में वो दोनों उस पेड़ के नीचे ही उगी हुई मखमली घास पर एक दूसरे से लिपटने लगे। दोनों ही एक दूसरे पर प्रेम वर्षा करने लगे। देखते ही देखते रंजीत ने उस लड़की को साड़ी से अलग कर दिया और खुद भी हर कपड़े से आजाद होकर भावनाओं के तूफान में बह गया। रंजीत सब कुछ भुला बैठा था। तभी रंजीत को आभास हुआ कि उस लड़की के खुले हुए लंबे बाल और नाखून लंबे होने लगे थे। आभास होते ही उसके दिमाग से प्यार का सारा नशा उतर गया और वो उस लड़की से दूर होने की कोशिश करने लगा। लेकिन रंजीत जितना उससे दूर होता वो उतना ही उससे लिपटती जाती। वो उससे दूर हो पाता उससे पहले ही उस लड़की के चेहरे का रंग रूप बदल कर भयानक हो गया और उसने अपने लंबे नाखून रंजीत की छाती में अंदर तक कढ़ा दिए, जिससे रंजीत की चीख उस सन्नाटे को चीरती हुई चारों तरफ गूंज गई। रंजीत की आंखें फटी की फटी ही रह गईं। तब वो लड़की जोर जोर से हंसते हुए बोली, तेरा मरना ही सही है। अगली सुबह सबके लिए एक बहुत बड़ा सदमा बनकर आई। ठीक गांव के बीचों बीच चौक के पास सभी लोग एक साथ खड़े थे और सभी के चेहरों पर खौफ था। धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी और सभी आपस में चर्चा करने लगे। तो वहीं रोहित रात से कुछ ज्यादा ही परेशान था और सुबह सुबह वो अपनी बेचैनी को कम करने के लिए टहलने को चल दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं कैसे पता लगाऊं इन सारी बातों का। रोहित अभी मन ही मन ये सोचते हुए चला आ रहा था कि तभी उसकी नजर ठीक उसके सामने चौक पर गई, जहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ को देखते ही रोहित थोड़ा घबरा गया। रोहित ने सोचा कि यहाँ आज इतनी भीड़ क्यों जमा हो रही है, जरूर कोई बड़ी बात है, चलो जाकर देखता हूँ, शायद तभी पता चलेगा। यही सब सोचता हुआ रोहित तेजी से उस चौक की तरफ चल दिया। उसके मन को हजारों शंकाओं ने घेर लिया था। भीड़ को चीरता हुआ रोहित तेजी से जैसे ही बीचों बीच पहुंचा तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी हुई थी। वो लाश इतनी भयानक थी कि जिस जिसने भी देखी सबको गहरा आघात लगा। और तभी रोहित की नजर सामने की दीवार पर चली गई। रोहित ने देखा वहां दीवार पर बड़े बड़े लाल रंग से लिखा हुआ था, तेरा मरना ही सही है। रोहित ने जैसे ही दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़े तो उसके होश उड़ गए और उसकी आंखें भी वो मंजर देखकर फटी की फटी रह गईं। रोहित पूरी तरह से बौखला गया और उसने मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहा, ये तो वही लिखा हुआ है जो सपने में उस औरत ने कहा था। रोहित के मन में बहुत से सवाल उमड़ने लगे और वो मन ही मन सोचने लगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो शब्द मेरे सपने में उस औरत ने कहे थे किसी आदमी को मारते हुए, वो शब्द यहाँ दीवार पर कैसे लिखे हो सकते हैं? आखिर क्या राज है इन सब के पीछे? अभी रोहित ये सब सोच ही रहा था
कि तभी उसकी नजर उस लाश के दाहिने हाथ पर गई। रोहित ने देखा कि उस लाश के दाहिने बाजू पर रंजीत कुदा हुआ था। जैसे ही रोहित ने उसकी बाजू पर लिखा हुआ रंजीत पढ़ा, उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसे अपना ख्वाब सच होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने घबराते हुए खुद से कहा, ये तो वही आदमी है जिसे मैंने सपने में 70-80 के दशक में देखा था, जिसे उसी दशक की एक औरत उसे मार रही थी, जिसने अपने गले में कंकाल वाली लॉकेट को पहना हुआ था। और आज के समय यानी कि 2021 में कौन इसे मार गया? और ये कैसा संयोग है कि इसका नाम भी रंजीत है? रोहित के मन में ऐसे ही और भी सवाल उमड़ने लगे और रंजीत नाम उसके दिमाग में घूमने लगा। एक तरफ रंजीत की लाश को देखकर रोहित काफी परेशान हो चुका था, तो वहीं दूसरी ओर अद्यंत अभी अभी अंगड़ाई लेते हुए उठा। उसने पहले कुछ सोचा और फिर नदी के किनारे आकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे वो पानी में उतरा और अपना चेहरा नदी के ठंडे पानी से धोने लगा। उसने अपने चेहरे पर अभी 2-3 बार ही पानी मारा होगा कि तभी अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ और वो रुक गया। साथ ही उसके चेहरे का रंग भी बदल गया। उसने झट से अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपनी आंखों को अच्छे से पोंछा और नदी के बहते पानी की तरफ देखने लगा। पानी में 4-5 लाशें बहती हुई चली आ रही थी और ये वही लाशें थी जिन्हें मायरा ने एक दिन पहले मेले में अपने भ्रम में देखा था। उन लाशों को इस तरह पानी में बहते देख अत्यंत ने चौंकते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाकर अग्रानी बाबा को बताना होगा, जल्दी। ये कहते हुए अत्यंत उल्टे पैर तेजी से अग्रानी बाबा के ठिकाने की तरफ दौड़ पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अग्रानी बाबा अपने ध्यान में लीन थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हों। तभी वहां पर अत्यंत दौड़ता हुआ आया। बाबा बाबा, गजब हो गया, कहते हुए अत्यंत अग्रानी बाबा के पास आया। उसकी आवाज सुन अग्रानी बाबा अपने ध्यान से उठे और अत्यंत को पसीने में तर बतर देख पूछा, क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो उधर, अत्यंत ने नदी की तरफ इशारा कर कहा और नदी की ओर जाने लगा। अग्रानी बाबा भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद जब दोनों नदी के किनारे पर पहुंचे तो अत्यंत ने नदी के पानी की तरफ इशारा कर कहा, ये देखिए लाशें, वो भी इतनी सारी। बाबा ने पानी में बहती हुई लाशों को देखा पर उनको जरा भी हैरानी नहीं हुई। उनके चेहरे पर अब भी शांति के भाव छाए हुए थे, मानो उनको पहले से इन सब के बारे में पता था। अत्यंत ने जब अग्रानी बाबा को ऐसे शांत देखा तो उसे हैरानी हुई। उसने बाबा से पूछा, बाबा जी, ये सब देखकर आपको जरा भी हैरानी नहीं हो रही? आखिर ये सब है क्या? अत्यंत के सवाल पर बाबा ने गंभीरता से कहा, मैंने कहा था ना कि कयामत आने वाली है, ये उसी की शुरुआत है, ये सबूत है उस कयामत के आने का। ये सब सुन अत्यंत और भी ज्यादा घबरा गया, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसे ऐसे खामोश देख बाबा जी ने सामने से कहा, अत्यंत, अब समय आ गया है इस कहानी के नायक से मिलने का, अब इंतजार समाप्त हुआ। बाबा की बातें सुनते ही अत्यंत के कान खड़े हो गए और उसने उत्साहित होते हुए कहा, मतलब वही ना जो शहर से लड़का आया है, क्या नाम है उसका? हाँ, रोहित। क्या आप रोहित के बारे में कह रहे हैं? अत्यंत की बात सुन बाबा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और वहां से चले गए। ठीक है, तो अब मुझे उस नायक से मिलकर आना ही होगा, इतना कहते हुए अत्यंत वहां से निकल जाता है। एक तरफ अत्यंत रोहित से मिलने के लिए निकल पड़ा था तो वहीं इधर दूसरी तरफ रोहित अब भी काफी परेशानी में खड़ा था। उसकी परेशानी का कारण उस लाश के दाहिने बाजू पर लिखा नाम रंजीत था। तभी रोहित ने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 8 बज रहे थे।
उसे यहाँ खड़े खड़े एक घंटा बीत चुका था। रोहित अभी अपने ही सवालों में उलझा हुआ था कि तभी एक आदमी ने पीछे से रोहित के कंधे पर हाथ रखा। रोहित चौंक कर पलटा तो देखा एक आदमी ने सिंपल सा जीन्स कुर्ता पहना था और एक झोला लटका रखा था और काले फ्रेम वाला मोटा सा चश्मा उसके चेहरे पर लटक रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अद्यंत था। अद्यंत ने रोहित को देखते ही सीधा सवाल पूछा, तुम रोहित हो ना? और तुम जो भी सपने देखते हो सच हो जाते हैं ना? रोहित अपने सपनों की बात और अपना नाम किसी अनजान आदमी से सुनकर एकदम से चौंक गया। उससे पूछा, आप कौन हैं? आपको कैसे पता मेरे सपनों के बारे में? इस पर अत्यंत बोला, मैं कौन हूँ वो जानना फिलहाल तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, पर ये जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है कि जो तुम देख रहे हो वो सपने नहीं बल्कि हकीकत है। ये सुन रोहित ने कहा, सपने हकीकत कैसे हो सकते हैं? रोहित के सवाल पर अत्यंत ने रहस्यमयी तरीके से जवाब देते हुए कहा, तुमने एक औरत को रंजीत नाम के आदमी को मारते हुए देखा है ना? बोलो। रोहित ये सुनकर एकदम सकपका गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता? ये सुनकर अत्यंत ने फिर से कहा, सपना तो तुमने चरण का भी देखा था जो सच हो गया। बोलो। हाँ हाँ, पर ये सब आपको कैसे पता है और कौन है आप? इतना सब कैसे जानते हैं मेरे बारे में और मेरे सपनों के बारे में? रोहित ने झल्ला कर कहा। रोहित को ऐसे परेशानी में देखकर अत्यंत ने पहेलियों में ही बात करते हुए कहा, मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि तुम्हारे ये सपने सपने नहीं बल्कि हकीकत हैं। पर इन सपनों के रहस्यों के ताले की कुंजी तुम्हें ढूंढनी होगी रोहित। रोहित ये सुनकर बोला, इसका क्या मतलब? और आप ये सब कैसे जानते हैं? कौन है आप? रोहित की बात सुन अत्यंत मुस्कुराया और बोला, मैं कौन हूँ समय आने पर जान लेना, पर अभी इतना जान लो कि मैं सब जानता हूँ, अतीत भी, वर्तमान भी और भविष्य भी। और अभी मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि तुम एक भंवर जाल में फंसने वाले हो। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे पूरी बात बता दीजिए, मैं जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ, रोहित ने एक उम्मीद के साथ कहा। इस पर अद्यंत ने कहा, अभी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ अकेले में ही मिल सकता हूँ। ये सुनकर रोहित बोला, पर यहाँ मेरे और आपके अलावा है कौन? मेरे पीछे देखो, तुम्हारा दोस्त आ रहा है सचिन, उसके होते हुए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी चलता हूँ, मुझे बहुत काम है और फिर गांव वालों की याददाश्त भी तो लानी है, अत्यंत ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर रोहित चौंक गया और जैसे ही उसकी नजर अत्यंत के पीछे गई तो सचमुच सचिन उसकी तरफ आ रहा था। ये देखकर रोहित थोड़ा और हैरान हो गया क्योंकि अत्यंत का चेहरा दूसरी तरफ था और उसने सचिन को देखा तक नहीं था। रोहित अभी आगे कुछ कह पाता इतने में अत्यंत एकाएक उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। उसके जाते ही रोहित को अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। रोहित ने झट से अपना हाथ देखा तो गौर किया कि उस पर लाल रंग से लिखा था, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। रोहित अभी ये सोच ही रहा था इतने में पीछे से आते हुए सचिन ने कहा, क्या हुआ, तेरे चेहरे से हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? फिर से कोई भूत वूत देख लिया क्या? और तभी सचिन की नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसने रोहित के हाथ को देखते ही कहा, ये तेरे हाथ पर क्या लिखा है और किसने लिखा है? मैंने, रोहित ने सचिन से झूठ कहा। पर ये बात सचिन को हजम नहीं हुई। उसने पूछा, अच्छा, पर क्यों? क्योंकि मुझे शौक चढ़ा था। अब चल यहां से, तू यहां क्या करने आया था? रोहित ने पूछा। जब उठा तो तुझे घर में नहीं देखा, इसलिए इधर आ ही रहा था कि यहाँ भीड़ देखा, आगे खुद समझ जा, सचिन ने पूरी बात बताई। सचिन ने आगे कहा, अच्छा चल अब घर, फिर तैयार होकर अपने काम पर भी लगना है, तू जा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर रोहित कुछ कदम आगे आ गया।
और अत्यंत की बातों को ध्यान से सोचने लगा। इधर रोहित अपने सवालों में और भी उलझता जा रहा था, तो वहीं गांव वाले ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार रंजीत की मौत कैसे हुई होगी। हर कोई अपने अलग अलग विचार बता रहा था, कोई इसे खून बता रहा था तो कोई किसी जानवर का हमला बता रहा था। रोहित भी वहीं वापस आ खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था और लाश को भी बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी गांव के मुखिया ने लोगों से कहा, इसकी लाश को देखकर लगता है कि हो ना हो इसे जरूर किसी जंगली जानवर ने ही मारा होगा। तभी रोहित मुखिया के पास आया और उसने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए बहुत आत्मविश्वास से कहा, मुखिया जी ध्यान से देखिए इस लाश को और फिर बताइए। मुखिया ने और बाकी सभी लोगों ने अपना ध्यान बातों से हटाया और लाश को देखने लगे। और इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, रोहित ने सभी से पूछा, बोलिए आप सब, क्या अभी भी आपको लगता है कि इसे किसी जानवर ने मारा है? देखिए, अगर इसे सच में किसी जानवर ने खाया होता तो इसकी लाश पूरी तरह अस्त व्यस्त होती और शरीर के बहुत से हिस्से जानवर ने खाकर गायब कर दिए होते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब आप सब समझ रहे हैं? रोहित की बात सुन एक बुजुर्ग आदमी ने उसकी बात काटकर बीच में ही कहा, देखो तुम अभी गांव में नए हो, इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कैसे कैसे जानवर मौजूद हैं। और तुम ध्यान से देखो बेटा, गर्दन पर बिल्कुल साफ साफ दांतों के निशान बने हुए हैं। गांव के सभी लोगों ने उस बुजुर्ग आदमी की बात में ही अपनी सहमति जताई। रोहित उन सभी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और वो सभी को मंडोलिका के बारे में बताना भी चाहता था, पर तभी उसे ध्यान आया कि इन सबको मंडोलिका के बारे में याद ही नहीं है। फिर उसे पुरोहित जी की बात याद आई, लेकिन जहां तक मुझे याद है, मुझे पुरोहित जी ने बताया था कि उस मंडोलिका को तो किसी तांत्रिक बाबा ने उस पुरानी सी हवेली में कैद किया हुआ था। तो फिर ये कौन है जो इतनी बेरहमी से लोगों को मार रही है? क्यों जो भी मैं सपने देखता हूँ वो सच हो जाते हैं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं एक कैसी अजीब सी दुनिया में फंस गया हूँ? और वो आदमी कौन है? वो किस भंवर जाल की बात कर रहा था? आखिर अत्यंत किस बारे में रोहित को आगाह कर रहा था और कौन थी ये दूसरी चुड़ैल जिसने रंजीत को मारा था?